हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइज, आज जो है होली का नेक्स्ट डे है और हम लोग जो है कुछ प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं जहाँ की हम लोग जो है शानदार सा मटन प्रिपरेशन करेंगे और फिर पूरा अच्छे ढंग से बनाना है। और मेरे साथ में जो है मेरे भाई लोग हैं जो कि दोनों मेरे भाई हुए, तो इनका भी इंट्रोडक्शन मैं आपको करा देता हूँ। ये जो है मेरे छोटे भाई हैं और ये TCS में जॉब करते हैं, और ये जो है इनका नाम गौरव हुआ और इनका नाम है बादल कुमार, ये भी मेरे जो है भाई हैं। और इनका जो है इस बार ही जो है NTPC जो RRB NTPC जो है निकाल चुके हैं और भी नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयारी इनका चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन, और जो है आप लोग को भी इसमें शामिल होना है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं देसी मटन। तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है और इसमें जो है कुछ जीरा जो है जीरे के कुछ यहाँ पे जो है टुकड़े डाले गए हैं, साथ में ही जो है एक दो चार जो है मिर्च जो है लाल मिर्च खड़े यहाँ पे डाला गया है, और यहाँ पे तेज पत्ता का भी कुछ जो है पार्ट्स हैं। उसके बाद जो है हींग भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन यहाँ पे आप जो है लहसुन की जो कलियाँ होती हैं तो चार पांच दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दीजिएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि शानदार सा जो हमारा मटन है, और ये लगभग जो है 10-12 केजी का था, और इतना साइज का जो होता है थोड़ा रिच होता है, और ये अच्छा खासा जो है कलर देन जो है ऑयल वगैरह सब कुछ इसमें आता है। देन यहाँ पे जो है कुछ देख लीजिए, यहाँ पे जो है इसका जो ऑर्गन्स है लाइक किडनी हो गया, ये चर्बी हो गया, चलिए इधर जल रहा है, इसको थोड़ा पूरा ज्यादा मतलब ये इससे जो है वेपराइजेशन एक तरह से कह सकते हैं कि गैस जो बहुत सारा आ रहा है निकल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जो है हम लोग अब इसको डालेंगे, देखिए एकदम शानदार से ये इससे गया और पूरा ये आवाज भी सुन पा रहे होंगे, अभी मुझे लग भी रहा है ऐसा छीका। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा एकदम कलर, बिल्कुल बेहतरीन सा कलर जा रहा है इसमें। तो क्या जो बना रहे हैं उनसे भी थोड़ा बातचीत हम लोग करते हैं और इनका भी अनुभव जो है हम लोग जानेंगे। तो एकदम गुर्दा कलेजी के साथ एकदम मीट को एकदम बेहतरीन बनाया जाएगा अभी, और आप लोग इस प्रोसेस से एकदम देसी स्टाइल में मटन बनने जा रहा है। काफी बढ़िया मीट है, गुर्दा कलेजी चर्बी सीना कलेजी एक खसी का पूरा मिला हुआ मिक्सचर पूरा मीट में बोल सकते हैं, और बढ़िया ढंग से इसको बनाया जाएगा। अभी इसमें मीट को पहले अभी 20 से 25 मिनट तक इसको इसी तेल में फ्राई किया जाएगा। पहले फ्राई होने के बाद ठीक है, तो गाइस जैसा कि हमने मिस्टर बादल से जाना, एक्चुअली ये जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, अपना पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं, और जो है एक्चुअली होता है ना कि लड़कों को भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए घर का कुकिंग वगैरह, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इनको भी हो गया है कि अपना तैयारी करते हैं तो बाहर में लॉज वगैरह बनाना पड़ता है। तो हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज भी इनका इसमें हो चुका है, तो इन्होंने जैसा आप लोग को थोड़ा बहुत बताया होगा और भी इनसे लेते रहेंगे हम लोग जैसे जैसे ये कंटिन्यू होते रहेगा। तो फिलहाल तो ये प्रोसेस आपको पता चल गया होगा कि इतना चीज आपको करना है, ठीक है। ये थोड़ा अलग सा बनेगा क्योंकि जो है यहाँ क्योंकि स्टाइल ही बिल्कुल अलग सा है, और जो नॉर्मली जो है मसाला वगैरह फ्राई करके बनाया जाता है, बहुत लोग कुकर में बनाते हैं, बहुत लोग बॉइल करके बनाते हैं, बट यहाँ पे आप लोग जो है देख पा रहे होंगे बिल्कुल खसी का मीट है, एकदम झारखंडी स्टाइल में मीट बनेगा, और अच्छा आप लोग भी मीट को घर में बना सकते हैं और आनंद ले सकते हैं घर पे इसका, एकदम बढ़िया मटन एकदम खसी का बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम जैसा कह रहे हैं कि बिल्कुल बढ़िया बढ़िया जिसको कहते हैं ना वो उस टाइप का बनने जा रहा है, क्योंकि ये अपना एक अनुभव भी होता है जो कि अंदर से आ जाता है, कुछ चीजें जो प्रकट नहीं है जो कि कुछ बात जो है वो चीज का फॉर्मेशन होगा, तो लोग इन चीजों को समझ भी जाते हैं, एक्सपीरियंस बोलता है इन चीजों में। तो चलिए इसको थोड़ा बहुत तो होने देते हैं उसके बाद। इसमें एक बात है कि मटन एक बार भी ढकाएगा नहीं, बिना ढके ये मटन कंप्लीट बन जाएगा एकदम, और सिद्ध होने की गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें समय लगेगा 1.5 घंटा, कम से कम समय लगेंगे 1.5 घंटे में ये मटन कंप्लीट रूप से एकदम तैयार हो जाएंगे। चलिए बहुत बेहतरीन, तो यहाँ पे हम लोग 1.5 घंटा बिल्कुल बने रहेंगे और बिल्कुल टेस्ट तक हम लोग चलेंगे इसके साथ। तो अभी फिलहाल के लिए इन चीजों को थोड़ा बहुत होने देते हैं और जो है उसके बाद फिर आप लोग के पास मैं फिर से आता हूँ। तो मिस्टर बादल जी बताइए कि कहाँ तक हमारा ये प्रक्रिया पहुँचा है, कितना देर हुआ? ये 15 मिनट हो चुके हैं अभी, और इसमें अभी और 20 से 25 मिनट ये डीप फ्राई होंगे, और डीप फ्राई होने के बाद ये ब्राउन फ्राई हो जाएंगे। ब्राउन फ्राई होने के बाद इसमें प्याज वगैरह दिया जाएगा, और उसके बाद काफी बढ़िया मटन बनेगा। अब आप इसका खा के स्वाद बता सकते हैं, उसके बाद बताएंगे। चलिए ठीक है, चलिए फिर आपसे मुलाकात करते हैं कुछ देर में। अब यहाँ 25 से 30 मिनट ये हो चुके हैं, ये लगभग
अब ब्राउन के कगार पे हैं। अब इसमें पड़ेंगे प्याज, और प्याज जैसे कि एक केजी ये मीट है, इसमें प्याज लगभग 350 से 400 ग्राम मैंने काटा है बारीकी से। और अब इसके साथ ये डीप फ्राई होंगे, और डीप फ्राई होने के बाद तो ये अच्छे से जो है मिक्सिंग कर दिया गया है। और आप लोग बिल्कुल देख पा रहे होंगे जनरली जो बनता है वो कैसा बनता है, तो आप लोग पहले प्याज वगैरह देके बनाते हैं, बट यहाँ देख लीजिए एक अलग सा यूनिक सा स्टाइल है जहाँ की प्याज को बाद में दिया जाएगा, इसमें नमक और हल्दी भी नहीं मिक्स किया गया है, इसको भी किया जाएगा सब स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आधा घंटा ही हो चुका था, इसके बाद हमने प्याज ऐड कर दिया है, अभी आगे का देखते हैं इसको। अब फिर से हम लोग मिलते हैं आपके पास। तो गाइस देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए प्याज जो मैं डाला था, अब क्या हो गया है कि यहाँ पे ये गलने लगा है और जो है तेल वगैरह भी देखिए छूट रहा है। अब यहाँ पे डालना है हम लोग को नमक और हल्दी, जो कि बहुत लोग बनाते हैं तो स्टार्टिंग बिगिनिंग में डालते हैं, बट हम लोग देखिए यहाँ पे अब डाल रहे हैं, लगभग 45-40 मिनट हो चुके हैं, अब डाल रहे हैं नमक डाला जा रहा है और जो है यहाँ पे, और अब हल्दी भी देखिए यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इन चीजों को डाल दिया गया, अब इसको फिर मिक्स करके थोड़ा देर और छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी डाला जाएगा आपको बताते हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल गरीब टाइप चिकन मटन, लेकिन अब देखिए जब हल्दी पड़ा है इसका देखिए कलर बिल्कुल आने लगा, और इसी तरह से धीरे धीरे और इतना खिलेगा जो कि मैं क्या ही बताऊं। आप थोड़ा देर आप लोग भी वेट कीजिए। और फिर गाइस यहाँ पे देखिए कल देखिए तेल देखिए किस तरह से उबाल मार रहा है, मतलब कि आप समझ लीजिए, मैं ऐसे तो फूड ब्लॉगर हूँ नहीं, मैं अच्छे टर्म्स यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझिएगा और वीडियो को भी अपना प्यार दीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। खैर देखिए यहाँ पे अगर जो भी प्रेमी है खाना पीना का तो वो इस प्रोसेस पर जरूर ट्राई करें, क्योंकि बिल्कुल अलग सा पैटर्न है, क्योंकि यहाँ नमक हल्दी प्याज सभी बाद में पड़े हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये चीजें थोड़ा बहुत इसको फ्राई करके और आगे जो है इसमें मसाला वगैरह पड़ेगा, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए काफी डीप फ्राई हो गया है ये, और दूसरी बात की देखिए आपको जो फ्लेम जो रखना है ना बिल्कुल लो फ्लेम में इन चीजों को आप करते रहिएगा, ताकि बेहतर ढंग से वो पक सके, ठीक है। अब रंगत आ गई है इसमें, अब इसमें पड़ेंगे मसाला, जिसमें कि मसाला में मैंने लिया है जीरा, गोल मरीच, मिर्च, धनिया, और सारे को मैंने मिला लिया है। और आप लोग अपने स्वाद अनुसार भी धनिया अगर इसको यूज नहीं करते हैं तो मैं नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग इसको डाल चुके हैं। इसमें आएगा ये मसाला, तो जैसा कि आपको जैसा बताया गया है कि जीरा मिर्च धनिया ये सब जो है उन जो जो बताया गया था सभी को यहाँ पे ग्राइंडर में देखिए पेस्ट बना लिया गया है, और इसको हम लोग अब ऐड करने वाले हैं अपने उस जो हमारा जो पक रहा है। और देखिए ये जो चीजें हैं आप लोग देख रहे हैं, ये गरम मसाला का पार्ट है, जहाँ जावित्री है, फिर आपका गरम मसाला का जो रूप है ये सब, आपका इलायची हो गया, चाहे लौंग हो गया, फिर दालचीनी, ये सब जो जो है पार्ट्स, वो चीजों को आपको जो है पेस्ट बना के फिर देना होता है, लास्ट टाइम में इसको देना है, और इसको भी हम लोग थोड़ी देर में ऐड करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे जो है मसाला को यहाँ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मसाला देखिए ऐड किया जा रहा है बिल्कुल, और इसको अच्छे से आप पेस्ट कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। इसको हम लोग आप मिलाते हैं ढंग से, और फिर इसको थोड़ा देर ये करने के बाद फिर इसमें हम लोग डालेंगे आपका जो अदरक का जो पेस्ट है वो डालेंगे। इसको आप पेस्ट पूरा मत कर लीजिएगा, थोड़ा मोटा ही रहे तो अच्छा रहे, जो ओखली होता है उसमें थोड़ा सा कूट लीजिएगा उसको, तो वो ज्यादा रहेगा, खड़ा खड़ा रहने से ज्यादा बेटर उसका जो है स्वाद आता है। तो यहाँ पे देखिए अदरक का जो है अब जो टुकड़ा किया गया है, मतलब इसको ओखली में जो करते हैं उसको अभी डाल दिया गया है, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं थोड़ा देर चलाने के बाद फिर इसमें। तो गाइस यहाँ पे जो है अब इन सभी चीजें जो है मिक्स हो रही है धीरे धीरे, और ये जो मसाला है थोड़ा मसाला भी यहाँ कुक होगा, जो कि मतलब कि थोड़ा फ्राई होगा मसाला, और साथ ही साथ इसी बीच जो है आपका जो मीट है वो भी क्या होने लगा है, गलेगा साथ ही साथ, ठीक है। हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं अगर सट रहा होगा तो, ताकि वो जो है अच्छे से सभी चीजें फ्राई हो जाए, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग फिर से आपसे मुलाकात करते हैं कुछ देर में। गाइस यहाँ पे गर्म पानी का भी इस्तेमाल कीजिएगा थोड़ा बहुत डाल करके इसको, ताकि अच्छे से ये चीजें जो है मिक्स हो सके, मतलब कि मसाला वगैरह जो है आपका, आप आवाज भी सुन रहे होंगे बिल्कुल बेहतरीन सा। एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे देख ले होंगे कि ये क्या है, चर्बी है, तो इसको आप पहले अगर ये यूज करते हैं आप खाते हैं तो इसको पहले गर्म पानी में हल्का हल्का हल्दी दे करके इसको छोड़ दीजिएगा, ताकि अच्छे से ये फूल सके। गाइस देख पा रहे होंगे बिल्कुल कलर देखिए एकदम बेहतरीन सा आ गया है, बस अभी इतने में ही आ गया है। अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि थोड़ा समय लगेगा ये, और जो है चीजें होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज ऑलमोस्ट एक घंटे से ऊपर के वक्त हो चुके हैं, और यहाँ पे अब बिल्कुल कलर देखिए आप, बिल्कुल इसका रंगत देखिए, एकदम इतना मस्त फ्लेवर दिख रहा है कि इमेजिन भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा जो तेल है ना वो पूरा एकदम इतना मोटा लेयर आ गया है। और इसको आप लोग को बेहतर ढंग से सिझाना भी है, क्योंकि मैं आपको वीडियो पॉज कर करके वीडियो बनाया हूं, तो आप लोग इसमें वक्त आपको देना है, और इसमें एक्चुअली जो है ये बिल्कुल ढका ही नहीं गया कहीं भी, ठीक है। तो यही इस जो है इसका जो है खासियत है। तो गाइज अब ये पड़ने वाला है इसमें, जो कि हमारा गरम मसाला का ये जो है पेस्ट है, इसको हमने जो है मिक्सी में नहीं ग्राइंड किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा चंदन बन जाता है, चटनी बन जाता है, वो चीज नहीं चाहिए, थोड़ा सा रुखड़ा रहता है तो बढ़िया रहता है। अब इसको ओखली वगैरह में कूट करके भी दीजिएगा तो ज्यादा बेहतरीन इसका फ्लेवर आएगा। तो गाइज इसको एक बार आपको फाइनली एक चेक कर लीजिएगा, खा के भी देख सकते हैं, या फिर पानी में डाल करके उसको चेक कर सकते हैं, हाथ से अगर वो दब रहा है प्रॉपर ढंग से तो दैट मीन्स वो आपका जो क्या चुका है, सीन चुका है बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर लगता है कि कुछ कसर बाकी है तो आप थोड़ा पानी देकर अच्छे से थोड़ा ढक दीजिए और फिर उसके बाद उतार सकते हैं आप। तो ये हमारा जो है ऑलमोस्ट डन है, अब बस खुद
खूब से खूब और दो से चार मिनट इसको हम लोग रखेंगे, हल्का सा वाटर ऐड करके उतार लेंगे। और जैसा कि देख पा रहे होंगे स्टेज बैक में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत टेस्टिंग भी चल रहा है कि कैसा बना है नहीं बना है और सिंझा या नहीं सिंझा है। तो इधर मेरे भाई लोग जो है दोनों लगे हुए हैं अपने काम में, इधर बना भी रहे हैं इधर दे भी रहे हैं अपना, तो चलिए ये सब चीज मस्ती तो होता रहता है। तो गाइज अब जो है देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि चर्बी जो है उसको ऐड कर रहे हैं। बेहतरीन देखिए हल्का येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हल्दी हमने ऐड किया हुआ था इसमें रखा था और गर्म करके। तो देखिए कैसा है एकदम बिल्कुल इसके ग्रेवी के साथ ये मिल गया है, तो कैसा एकदम जबरदस्त दिख रहा है। और ये देखिए बिल्कुल लास्ट स्टेज में उतारते वक्त ही दिया जाता है इसको, मतलब उतारने से। गाइज फाइनली देखिए बिल्कुल हमारा जो है ये रेडी हो गया है। अब इसको जो है हम लोग उतारने वाले हैं नीचे, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो कलर देखिए इसका बेहतरीन सा एकदम शानदार सा, और यहाँ देखिए ये किस तरह से एकदम उबल रहा है। ठीक है, यहाँ आप चर्बी वगैरह सब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है सीना वगैरह सब देखिए, और क्या शानदार लजीज दिख रहा है। देखते ही मन में एकदम लग रहा है कि आप इसको बिना उतारे ही हाथ से उठा के खा लूँ। तो गाइज देख पा रहे होंगे बिल्कुल एकदम रसगुल्ला से कम नहीं है, एकदम उबल रहा है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा एकदम बिल्कुल शानदार एकदम, देख लीजिए आप किस तरह से एकदम ये जबरदस्त दिख रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग सर्व करते हैं एक प्लेट में, और फिर टेस्ट आप लोग को चेक आउट करके बताते हैं। कह रहे हैं भाई साहब सुन लीजिए, शेर दिलवाले ही मटन खाते हैं, शेर कभी घास नहीं खाते, शेर दिलवाले ही मटन खाते हैं। तो आप लोग भी शेर बनिए चलिए, और इसका भी आप लोग भी आनंद उठाइए। तो गाइज इसमें फाइनली हम लोग देखिए यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, देखिए किस तरह का कलर देखिए गाइज यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से देखिए यहाँ सर्व हो रहा है, और इसका बिल्कुल एकदम कलर देखिए गाइज, और ये बिल्कुल एकदम शानदार सा एकदम है, और बिल्कुल मन तो कर रहा है कि बिना बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप लोग शानदार सा। तो आप लोग भी लुत्फ़ तो उठाइए इसका। तो चलिए गाइज थैंक यू सो मच आप लोग का वीडियो बने रहने के लिए। इस तरह से आप लोग भी जो है अपना अपने घर में जरूर बनाइएगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आप लोग को।